नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साक्षी भाव का अनुभव कैसे किया जाता है, हाउ टू बी डिटैच्ड फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशंस। होता क्या है, कोई भी ऐसी दुखद घटना होती है, कोई भी ऐसी डिफिकल्ट जीवन में घटना होती है जो हमें हिला कर रख जाती है। मैंने अच्छे खासे लोगों को डेविएट होते हुए देखा है, परेशान होते हुए देखा है, क्योंकि वो किसी भी घटना में, किसी भी जीवन की होने वाली किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तुरंत दुखी हो जाते हैं, तुरंत परेशान हो जाते हैं और अपना उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। मतलब किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए घर के किसी सदस्य को कोई मेडिकल दिक्कत आ गई, तो उस समय क्या चाहिए? प्रेजेंस ऑफ माइंड कि बड़े प्यार से, संयम से, कंट्रोल अपने आप को करते हुए हम सही टाइम पे सही डिसीजन ले सकें। इधर नहीं कि इस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल, बस मतलब भागते जाते हैं लोग, परेशान जरूर होते हैं और उसके बाद सही डिसीजन नहीं ले पाते, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। यहां जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो है कि साक्षी भाव का अनुभव कैसे किया जाए। साक्षी भाव का मतलब ये होता है कि उस सिचुएशन में अगर आपको सही डिसीजन लेना हो तो उस सीन से अपने आप को थोड़ा डिटैच कर लीजिए, थोड़ा अलग कर लीजिए, तो आप एक तीसरे पर्सन के, एक थर्ड पर्सन की तरह जब डिसीजन लेंगे तो डिसीजन अच्छा होगा। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, आप जैसे ही वो सिचुएशन आए, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले आपको करनी पड़ेगी, एकदम से सडन कुछ नहीं होता, ये प्रैक्टिस ही होती है जो ऐसे डिफिकल्ट टाइम में आपको साथ देती है। तो इसमें क्या करना होता है, अभी आप प्रैक्टिस करके देखिए। देखिए, आप अपने आप को यहां से, इन दो आंखों से आप देख रहे हैं, आप साथ ही साथ ध्यान करें इस तरीके से कि फील करें कि जो देखने वाला है, जो इन, जो बाहर देख रहा है, जैसे आप बाहर देख रहे हैं वैसे ही अपने आप को भीतर भी देखें। वैसे ही भीतर देखें का मतलब है कि यहां से आप बाहर देख रहे हैं तो ये तो याद रखें कि बाहर क्या है, यानी कि दृश्य जो दिखाई दे रहा है वो तो दिख ही रहा है। एट द सेम टाइम इसको देखने वाले को भी याद रखें। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखिए। जब आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं ना, इस वीडियो को देखते देखते आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, एट द सेम टाइम खुद को भी याद रखें कि मैं हूं, आई एम देयर, आई एम द लिसनर, आई एम द वॉचर, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। भीतर आपको खुद के होने का भी एहसास है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी करते करते आप इसका अनुभव कीजिए और आप पाएंगे कि आप मेरी बातों सुनते हुए भी आपको अपने भीतर अपने होने का एक एहसास बना रहता है और इसी को याद करना सारा का सारा जो धर्म है, सारी की सारी जो स्पिरिचुअलिटी है, वो इसी खुद को याद करने को लेकर है कि हम अपने आप को ना भूल जाएं। हम चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर गलत डिसीजन लेने लगते हैं, हम अपना, किसी को अपना मानने लगते हैं, किसी को पराया मानने लगते हैं, कभी गुस्सा आने लगता है, कभी प्यार आने लगता है, इमोशंस में हम बह जाते हैं। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा डिटैच कर पाए तो इन इमोशंस का आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका अनुभव डे टू डे लाइफ में थोड़ा 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 करते रहें और बहुत ही मजेदार चीज होगी। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आप पाएंगे एक ऐसा ब्यूटीफुल आपके अंदर याद आपकी रहने लगी है, मतलब खुद की एक ऐसी रिमेम्बरेंस हर समय रहने लगेगी कि घर का कोई भी काम करते हुए, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो आप याद बनाए रखें खुद की। अगर खुद की याद को बना पाना डिफिकल्ट लगे तो आप अपने श्वासों की याद कर सकते हैं, क्योंकि श्वास वो कड़ी है जो हमें संसार से जोड़ती है, तो श्वास की याद रख सकते हैं। कुछ लोग नाम याद रखने की कोशिश करते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर नाम, राम 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 में आप भूल जाते हैं। दिक्कत यह है, जपें अगर जपना है, लेकिन कोई ऐसा मंत्र हो जो आपको अपने सेल्फ की याद दिला दे कि मैं अपने होश ना गवा बैठूं, बस किसी भी सिचुएशन में मैं खुद को अलग कर पाऊं, तो फिर आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। मतलब अल्टीमेट जिंदगी में अगर अगर आत्म ज्ञान पाना है, सेल्फ रियलाइजेशन पाना है, तो उसका सूत्र यह है, साक्षी भाव। चीजों के साथ
कोई भी काम करते हुए डिटैच रह सकें, लेटे बैठे चालते खान पान व्यवहार हर चीज में थोड़ा 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 जागते जाएं, शरीर के प्रति जागना, विचारों के प्रति कि मैं क्या सोच रहा हूं, इमोशंस के प्रति मेरे अंदर क्या चल रहा है, और सिचुएशंस के प्रति कि बाहर क्या चल रहा है। बस जानस, अगर थोड़ी भी अवेयरनेस आपके अंदर होगी ना, तो कोई भी सिचुएशन तुरंत आपको आपके वापस लौटा पाएगी। एक और सूत्र इसी के साथ जुड़ा हुआ जो नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, वो श्वास वाला ही सूत्र है। बुद्ध ने इसी श्वास वाले सूत्र को बड़ा महत्व दिया कि श्वासों पर ध्यान दिया जाए। इसको भी आप पकड़ सकते हैं, आनापानसती इसका प्रैक्टिस है, आप नेट पे इसके बारे में जान सकते हैं, फिर उनके विपश्यना कैंप अटेंड कर सकते हैं। यहां मैं बस आपको एक संक्षेप में बस थोड़ा सा आपको जस्ट एड ऑन करने के लिए मैंने एक टिप बताया, तो प्लीज आप इसका इसको एंजॉय करें, और आप पाएंगे कि थोड़े ही दिनों में आपके अंदर एक ऐसी घटना घटित होने लगेगी कि आप चीजों के साथ होते हुए भी डिटैच रहने लगेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आएगी। इसका इस्तेमाल करें और अपने कमेंट हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और बेल आइकन भी जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।